तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में। और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ऑप्शन के बाहर गेंद को खेल दिया है हवा में। शिखर धवन ने कवर्स के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और मिलेंगे 4 रन। शिखर धवन का विकेट कॉट बिहाइंड। चमीरा की गेंद ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ पर उछलती हुई अक्रॉस द बैट्समैन, लेकिन बहुत क्लोज थी शरीर के शायद, और बल्ले का बहुत बहुत महीन एज लगा है ऐसा लग रहा है। एंड द विकेट गोज आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, उसको हवा में खेलकर मारा है। देखना होगा कितना डिस्टेंस रहता है, लेकिन एक बाउंस के साथ चौका, प्लेइंग 11 चौका। ये अगली गेंद आगे बढ़कर मारा है सैमसन ने, इसको भी बहुत अच्छे से रीड किया है। और ये छक्का, पहला छक्का संजू सैमसन का। अकेला धनंजय को पता है कि उनको रीड कर पाए बहुत ही बेहतर तरीके से। पर इस बार फिर से स्वीप शॉट, क्या फील्डर मौजूद है? नहीं, नहीं काट पाएंगे। डीप में जो फील्डर है नहीं काट पाएंगे। तीसरा चौका इस ओवर का, पृथ्वी शॉ इज लाइटिंग अप कोलंबो। ये करीबी मामला होगा। बहुत तेज अपील और ये आउट, बहुत तेज अपील और ये आउट। लेग साइड पर खेला है, थोड़ा सा आगे आए थे, सीधी गेंद थी और अचंभे में लग रहे हैं पृथ्वी शॉ। पूछ रहे हैं संजू सैमसन से कि क्या डीआरएस के लिए जाऊं या नहीं। विजय कह रहे हैं आउट है, निकल लो आप। फिर से हवा में लेकर मारा है और एक और चौका, बैक टू बैक फोर्स फॉर संजू सैमसन। यहां पर क्या बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, ये इनका 5वां चौका है। तो खोलने की खेलने की कोशिश संजू सैमसन की, बात कर रहे थे हम दीप, और आइडिया सही था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर वो जो चिप स्ट्रोक था वो फील्डर को पार नहीं कर पाया। लेग स्टंप पर गेंद थी, उसको ड्राइव कर दिया बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के पार, और फील्डर जो मिड ऑन पर थे उसको रोक नहीं पाएंगे। 4 रन, फिर एक बार शानदार स्ट्रोक, लाजवाब लाइटेड गेंद और ओहो क्या जोरदार अपील हुई है और ये आउट। यहाँ पर कॉट बिहाइंड हुए हैं, लेकिन फ्लाइटेड गेंद थी और ये चूक गए। फुल टॉस पैड पर लगी, जो फुल टॉस घुमाना चाहिए था, आधे अधूरे मन से उसको खेलना चाहते थे। एक चिप स्ट्रोक, एक स्कूप स्ट्रोक, कृष्णप्पा गौतम चूके, गेंद आकर लगी सीधा पैड पर, और अपील होते ही कुमार धर्मसेना जो अंपायर है उनको कोई शक भी नहीं हुआ, उनने समय भी नहीं लिया, सीधा उंगली उठा दी, बॉल हवा में उठा के मारी है, पुल किया था और बॉलर ने कहा कि मैं खुद ही कैच पकड़ूंगा। करुणा रत्ने को मिली यहां पर विकेट, भारत की 9वीं विकेट आउट हो गई है। श्रीलंका को बनाने हैं 227 रन। अगली गेंद कमेंटेटर्स कर्स कहिएगा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसको खदेड़ दिया है कवर्स के बाहर 4 रनों के लिए नवदीप सैनी की ने, और की शुरुआत पहली गेंद डाउन द लेग साइड, उसको नटराजा स्टाइल में फ्लिक कर दिया है अविष्का फर्नांडो ने फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक। बिल्कुल इसी बीच राउंड विकेट डाला गौतम ने इस बीच, और यहां पर विकेट मिल गया। विनोद थोड़ा सा ब्रेव हार्ट बनने के चक्कर में स्वीप कर गए उस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद था, सीधा उसकी झोली में आया। यहां पे चौका पड़ा है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, चोट से उभर कर राजपक्षा वही अग्रेसिव मोड में कर रहे हैं। राहुल चहर की अगली गेंद और इस बीच रिवर्स लगा दिया पॉइंट के ऊपर से, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब चलान कटा, देखिए अब चलान कटा, फ्लिक किया वहां पर, मिडिल स्टंप पर गेंद थी, उसको फ्लिक किया, गेंद जी चली गई फाइन लेग पर, और वहां पर हमारे पुलिस कांस्टेबल निकले कौन थे, लेकिन विकेट गया और राजपक्षा आउट हो गए हैं। जाकरिया की अगली गेंद और ओहो, और ये उछली है, कैच हो सकता है और ये आउट। 69 रन पर है अविष्का फर्नांडो और 15 पर, और बार कट किया है, ये चौके के लिए जाएगी गेंद, कोई नहीं है डीप में, थर्ड मैन भी ऊपर सर्कल में था और बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से निकाल के मारा है। स्वीप कर दिया यहां पर रमेश मेंडिस ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक, गेंद के पिच को भापा और बिल्कुल बल्ला चला दिया उसके ऊपर, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। करुणा रत्ने का अफरा तफरी मच जाएगी अब श्रीलंकाई खेमे में, क्योंकि चाहिए रन सिर्फ 7 और करुणा रत्ने का यहां पर विकेट गिरा है। राहुल चहर ने 3 विकेट लेकर सारे समीकरण बदल दिए, स्वीप कर दिया रमेश मेंडिस ने स्क्वायर लेग से, और इसी के साथ श्रीलंका ने इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया है। एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी, तो श्रीलंका ने इस मुकाबले को 3 विकेट से जरूर जीता। ये सीरीज जो है भारत ने 2-1 से जरूर जीती है।